प्रेरणा कथा। मैं गाऊं गीत खुशी के। एक समय में इंग्लैंड में डी नदी के किनारे एक पंचक्की का मालिक अपने घर में बहुत ही सुख से रहता था। उसकी चक्की नदी के पानी से चलती थी और गेहूं, मकई और अन्य चीजें पीसती थी। लोग कहते थे कि उस चक्की के मालिक से ज्यादा खुश व्यक्ति कोई भी नहीं था। वो सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहता था और काम करते करते गीत गाता रहता था। उसको खुशी खुशी गीत गाते देखकर उसकी चक्की में आने वाले ग्राहक भी बहुत ही खुश रहते थे। वो सभी को खुश कर देता था। पूरे देश में लोग उसके बारे में बातें करते थे। अंत में ये बात देश के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने कहा, मैं एक दिन स्वयं जाकर उस चक्की के मालिक से बात करूंगा और हो सकता है कि वो मुझे भी खुश रहने का कोई तरीका बता दे। कुछ दिन बाद राजा उस चक्की के मालिक के पास पहुंच ही गया। चक्की का मालिक गीत गा रहा था, ना मैं किसी से जलता हूं, ना कोई मुझसे जलता है, मैं हंसता जाता रहता हूं, सबको ये अच्छा लगता है। राजा ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत कह रहे हो। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा स्थान लेने को तैयार हो जाऊंगा। मैं राजगद्दी छोड़कर चक्की का मालिक बनना चाहूंगा। चक्की का मालिक मुस्कुराने लगा और उसने झुककर राजा को नमस्कार किया। उसने कहा, महाराज, मैं अपना काम छोड़कर राजा बनने का तो विचार भी नहीं कर सकता। राजा ने कहा, मैं ये जानता हूं कि तुम इतनी धूल भरी चक्की में काम करते हुए भी खुश कैसे रहते हो, जबकि मैं एक राजा होकर भी हर दिन समस्याओं से घिरा रहता हूं और चिंता में डूबा रहता हूं। चक्की के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्यों दुखी हैं, परंतु मैं आपको ये अवश्य बता दूंगा कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। मैं अपनी रोटी कमाता हूं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं अपने मित्रों से प्रेम करता हूं और वो भी मुझे प्रेम करते हैं। मैं किसी का एक पैसे का भी ऋणी नहीं हूं, तो मुझे खुश क्यों नहीं रहना चाहिए। ये सामने नदी है और ये नदी मेरी चक्की को अपने पानी की शक्ति से चलाती है और मेरी चक्की दानों को पीसकर आटे में परिवर्तित कर देती है। मैं उन पिसे हुए दानों को अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खिलाता हूं और आप भी वही पिसा हुआ अन्न खाते हैं। राजा ने चक्की के मालिक को बीच में ही रोक दिया और कहा, बस बस, अब आगे मत खाओ, अपने घर पर ही रहो और हमेशा खुश रहो। परंतु मैं तुमसे हमेशा ही ईर्ष्या करता रहूंगा। तुम्हारी एक धूल भरी टोपी मेरे इस हीरो जड़ित सोने के मुकुट से ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हारी चक्की तो बहुमूल्य है और वो चक्की तुमको इतना कुछ देती है जितना मुझे मेरा राज्य भी नहीं दे सकता। अगर और लोग भी तुम्हारी तरह हो जाते तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। अलविदा मेरे दोस्त। राजा वापस चल दिया और वो अभी भी निराश और दुखी था। चक्की के मालिक ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और खुशी खुशी गीत गाने लगा। मित्रों, ये जरूरी नहीं कि खुशी के लिए धन, दौलत, वैभव, नाम और शक्ति ही जरूरी होते हैं। खुशी तो मन से संबंधित होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमको खुशी दे सकती हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग अपने अंदर और अपने आसपास की खुशी को देख नहीं पाते। मित्रों, अपनी खुशी अपने आसपास ही खोजिए और सबको खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।